नमस्कार अन्ना साहब। नमस्कार, आपन कौन? आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं नहीं पहचाना? नहीं। पहचानेंगे भी कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं हम। चोंबड़ी। मैं चंद्रमुखी। और ये मेरी बहू माजी सुनबाई। सुनती है मेरी? सुनती है सुनबाई, सुनती। सुलक्षणा नमस्कार। ताऊ दे। माई बाळकृष्ण गोखले। लेकिन भारती, ये दोनों है कौन? अंजीरी दम आलू सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था मुझसे, मैं इतनी परेशान हो गई थी कि आपको क्या बताऊं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई, उर्मिला वेनी को पूछने गई कि इसका क्या करूं। तब भी ये दोनों मुझे बाहर मिली और इन्होंने जबरदस्त दिमाग लगाया। वाह 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 वाह। और चक्का मैंने अंजीरी दमालू चक्का। अप्रतिम जादू है, आपके हाथ में जादू है ईश्वर। हाँ अन्ना, और इनको काम की भी तलाश है, गायत्री का हाथ बटाने के लिए इनको रख लेते हैं ना। शाबाश भारती, शाबाश। भारती ने कितना अच्छा सुझाव दिया। आहो, लेकिन पूछ तो लीजिए कि रसोई बनाना आता भी है या नहीं। रसोई? वो खाना बनाना। रसोई बनानी तो नहीं आती, लेकिन संस्कृति संभालनी आती है। संस्कृति मतलब? मेरे बाबा कहा करते थे कि रसोई हमारी संस्कृति है। हाँ। रसोई सिर्फ बनाने के लिए मत बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जैसे तुम संस्कृति को संभाल रही हो। बहुत बहुत उत्तम कहा करते थे तुम्हारे बाबा। क्या नाम क्या था उनका? उत्तम, उत्तम राव। उत्तम नाम ही उत्तम। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि खाना बनाना एक कला है, जैसे नृत्य और संगीत। तो मैं हमेशा नृत्य और संगीत के माध्यम से ही खाना बनाती हूँ। वाह। और यही बात मैंने अपनी सुनबाई को भी सिखाई है। राउदे, सीख रही है। नृत्य और संगीत के माध्यम से खाना? ताई, तुमसे विश्वास बसत नहीं है ना। भारती, यहाँ पूरी तलने की व्यवस्था हो सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं। आना सगड़ा। लपाक छपाक बेलन घूमे रे घूमे पूरियां तले। पूरियां बने छुरियां चले खाने वाले के दिल पे। लपाक छपाक बेलन घूमे रे घूमे पूरियां तले मिलके राजा पूरियां तले मिलके। पूरियां तले मिलके भाई पूरियां तले मिलके। लपाक छपाक बेलन घूमे रे घूमे पूरियां बने। पूरियां तले छुरियां चले खाने वाले के दिल पे। लपाक छपाक बेलन घूमे रे घूमे पूरियां तले मिलके राजा पूरियां तले मिलके। पूरियां तले मिलके राजा पूरियां तले मिलके। पूरियां तले मिलके राजा पूरियां तले मिलके। छपाक 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 छपाक। पूरियां तले मिलके राजा पूरियां तले मिलके। शाबाश। जो छना देखो ऐसे बनाते हैं खाना, प्यार के साथ नृत्य और संगीत मिला के। अभी तुम दोनों की नौकरी फाइनल। अन्ना अन्ना प्रभाकर बाड़ा, आजा 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 मेरे राजा। बोल बोल अन्ना, वो आपने गायत्री और निर्मिति की मदद के लिए रसोई वाली को लाने को बोला था ना, तो भारती की मामा की लड़कियां आ रही है। तुकाराम मामा की लड़कियां?
हाँ, और भारती के मामा मतलब अमीर से अमीर आदमी उनके सामने कटोरा लेके खड़ा रहता है मांगने के लिए। क्यों? मुंबई में पानी पूरी बेचते हैं। अच्छा, पानी पूरी का कटोरा। वो भी रोड पे ऐसे ठेला सर पे लेके पानी पूरी सेव पूरी ऐसे जोर से चिल्लाते हैं। उन्हीं की लड़की आने वाली है। अगवई, लेकिन अन्ना ने तो इन दोनों को रोक लिया है। हाँ। अच्छा, लेकिन अन्ना मैंने वचन दे दिया है, वो बिचारी अपना दूसरा काम छोड़ के आ रही है। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है दादा, आप उन्हें ही रखिए, हमारा क्या, हमें कहीं और काम मिल जाएगा। आई याना। ये अभिषेक, क्या कहीं और, हमें यही काम करना है। पापा, भारती मेरी की बहन है बिचारी, जरूरतमंद होगी, हम उनसे काम नहीं छीन सकते, प्लीज। हाथ धो लो। अन्ना सर, चलते हैं हम। क्षमा करना है जरा, लेकिन वो प्रभाकर। कोई बात नहीं अन्ना साहब, मेरे बाबा कहा करते थे कि जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। अगवई, लेकिन हमारे वाड़े का तो एक ही दरवाजा है। सुन करवानो, मराठी मराठी। भारती, इनके कहने का अर्थ ये है कि आशा अमर है। हाँ, मोरे बहू की आशा। भारती, इन दोनों को बाहर तक छोड़ के आ जा। बरबर, एक मिनट। हाँ भारती, वैसे कोई बात नहीं अन्ना साहब, ये मेरा टेलीफोन नंबर है। क्या अक्षर है, चंद्रमुखी। अभी तो आपको बाई मिल गई है, लेकिन आपको कभी भी जरूरत पड़े तो इस नंबर पे फोन कर दीजिएगा। अवश्य, आठ आठ। मैं आधी रात को भी हाजिर हो जाऊंगी। हाँ, आधी रात को। अरे ऐसा बोलते हैं, सचमुच में थोड़ी ना आधी रात को कोई बुलाता है। लेकिन अन्ना साहब, आप सच में बुला के देखिए, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये थे। या। अच्छा भाई। चलिए चलिए। वाह वाह वाह। पापा, आपने मम्मी को भी यही नंबर दिया? तू चुप रहे ना, दो डाया। चल, कुछ नहीं होगा। संभाल के जाना। एक बोलू क्या, ये प्रभाकर ने भारती की बहनों को वचन नहीं दिया होता तो मैं तो नक्की इन दोनों को ही काम पे रख लेता। कितना अच्छे तरीके से खाना बनाती है। नपक जपक टपक 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 टपक, छुरिया चली छुरिया चली। बहन जी, इधर ऊपर किधर जा रहे हो, रूम बुक किया है? अभिषेक, हमने मर्द बन के रूम बुक किया था, लेकिन इसको ये नहीं पता कि हम वही मर्द हैं, मतलब कि औरत हैं। ओ भाई, क्या घुसुर फुसुर बाद में करना आपस में, पहले बताइए रूम बुक किया है? हाँ किया है ना, हमारे भाई ने किया है, रूम नंबर 111 जी। महेंद्र ठक्कर? वो मेरे भाई हैं, और ये मेरी बहू, हम उन्हीं से मिलने आए हैं। चल सुलक्षणा। ओ, चल क्या, वो तो अपने रूम में है ही नहीं। वो आ रहे हैं पीछे से, उन्होंने हमें ये चाबी दी और कहा कि राह देखो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चलो चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, आप ऐसे रूम में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं चलेगा, नीचे उतरो, चलो। तो कैसे चलेगा शिंदे साहब? आपको मेरा नाम पता? मेरे मामा ने कहा कि काउंटर पे जाके बोलना कि हम उनके रिश्तेदार हैं, और वहां पे शिंदे नाम का होशियार हैंडसम रुबाबदार मैनेजर बैठा होगा।
और वो होशियार हैंडसम रुबाबदार मैनेजर हमें कमरे में जाने देगा। तो जाए हम? जाइए जाइए। चल गा। क्या? उन्होंने आपको होशियार हैंडसम रुबाबदार कहा और आपने मान लिया? मतलब? नहीं मैं नहीं हूं क्या? नहीं नहीं वो नहीं, ये औरतें उनकी रिश्तेदार हैं, ये आपने कैसे मान लिया? वो दोनों झूठ भी तो बोल सकते हैं। सत्तू तेरी बात बराबर है। चल चौकसी करते चल 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 चल। देश की विशेष खबरों में आज हम जानेंगे। पानी पानी फेर दिया मेरी मेहनत पे। पानी पानी, अरे ऐसे कोई पानी फेरता है क्या? पानी पानी फेर दिया मेरी मेहनत पे। पानी पप्पा, अरे क्या पप्पा, तू बैठे बैठे टीवी क्या देख रहा है? अब सोच आगे क्या करेंगे। तो क्या करेंगे? चुपचाप वापस घर चलते। अरे ऐसे कैसे चुपचाप वापस घर चले जाएंगे? तू नेगेटिव बातें ही क्यों करता है अभिषेक? कुछ नहीं होगा तुझसे। तो आपने क्या कर लिया? हाँ मैंने क्या कर लिया? मैंने अन्ना भाई को इम्प्रेस कर लिया था। नौकरी पक्की करवा ली थी हम दोनों की। लेकिन लगे तो नहीं ना नौकरी पे? अरे वो तो प्रभाकर ने एंड मोमेंट पे अपनी सालियों की बात बताई ना, और तू इमोशनल हो गया। छोड़िए ना पप्पा, वो बिचारी जरूरतमंद है, वरना मैं इतनी आसानी से नौकरी जाने नहीं देता। तत्तू हाँ, अंदर गई दो औरतें। हाँ तो आवाज मर्दों की कैसे आ रही? असो कसो, हाँ। अंदर मर्द